खवातन हजरात असल वरम्ह वर्का नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल अपने आसासी नजरिए की तरवीज के लिए कोशां है इस चैनल से आपको नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट की सरगर्मियों के बारे में आगही फराहम की जाती है और इसके साथ जद आज़ादी के अहम रहनुमाओं की कौमी और मिली ख़दम्त और तहरीक आज़ादी के अहम वाकयात के बारे में आगाह किया जाता है आज हम आपको तहरीक पाकिस्तान के मरूफ़ रहनुमा और कायद अजम महम्मदली चिना के इंतहाई करीबी साथी राजा गजनफर अली ख़ान के हालात ज़िंदगी और अहम मिली ख़दमात से आपको आगाह करेंगे आप अठारह सौ पचानवे में पिंड दादन खान जिला जेहलम के एक मज्ज़ राजपूत घराने में पैदा हुए इब्तदाई तालीम पिंड खां ही में हासिल की मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए और यहाँ से 1924 में पी की डिग्री हासिल की दौरान तालीम सियासी अमूर में दिलचस्पी लेना शुरू की 1923 में इंडियन लजस्लेटिव असम्बली के रुकन मंतखब हुए और इसी साल लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत की यहीं कायद अजम मोहम्मद अली जना से मुलाकात हुई और उनके रफ़ीक बने राजा गजर अली ख़ान ने असम्बली में मुसलमानों के मफादात और हकूक़ की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की उन्होंने क़ायद अजम मोहम्मद अली जना और यूनिस्ट पार्टी के सरफजल हसैन के माबे बास आइनी और सियासी अमूर को तय कराने में अहम किरदार अदा किया व इस सिलसिले में कायद अजम की मामनत भी करते रहे राजा गजनफर अली खान 1928 में रियासत अलवर में वजीर भी रहे 1933 से उन्नीस तक इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट के मंतखब रुकन बने और हुकूमत पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी की हैसियत से यूनिस्ट पार्टी का साथ दिया उन्नीस में जब खिजर हजार टोाना की पॉलिसियाँ मुस्लिम लीग के मुखालिफ हुई तो कैद अजम मोहम्मद रिजना के हुक्म से राजा गजनफर अली खान और सूफी अब्दुल हमीद ने के पार्लीमानी सेक्रट्रियों केहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था उन्नीस सौ पैंतालीस के, के इतखात में कामयाबी के बाद जब मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में इख्तियार की, तो मुस्लिम लीगी वज़रा में राजा गजनफर अली खान भी शामिल थे इसी दौरान सुबह सिंध में गवर्नर फ्रांसिस मोडी ने वजारत तोड़कर नए इंतबा का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग ने राजा ग़नफर अली ख़ान की रहनुमाई में सिंध में इलेक्शन मुहिम शुरू की और वाज़ कामयाबी हासिल की क़याम पाकिस्तान के बाद आपको महाजरीन की बहाली और आबादकारी की वजारत दी गई जिसमें उन्होंने नहाय काबिल कदर और अली खिदम सर अंजाम दी आपने मरकजी हुकूमत में वज़ी ज़रात व सेहत की हैसियत से भी खदमात सर अंजाम दी उन्नीस सौ अड़तालीस में उन्हें पाकिस्तान की जानब से ईरान में सफीर मुकरर किया गया उन्नीस सौ बावन में तुर्की उन्नीस सौ तिरपन में हिंदुस्तान और उन्नीस सौ छप्पन में इटली में पाकिस्तान के सफीर रहे उन्नीस सौ सतावन में सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ तिरसठ को अजल को लब्बैक कहा और पिंड दादन खां में मदफून हुए राजा गदन अली ख़ान तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और मुखलस सियासतदान थे वो बेहतरीन मुकर और एक अच्छे शायर भी थे उन्होंने जद वजहद आज़ादी के दौरान और हसूल पाकिस्तान के बाद मुलक की तामीर और तरक्की में काबिल कदर खदम सर अंजाम दी उन्नीस सौ सतासी में हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी कौमी खदमात के एतराफ़ में उन्हें तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल से नवाजा नाज्रीनुसाम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जद्दोजहद आज़ादी के बारे में बहुत सी मालूम हासिल कर सकते हैं आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया